नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आने वाले 3 दिन 22, 23 और 24 जून 2022 से जी हाँ दोस्तों, यह समय से आप सभी के जीवन काल में जो घटनाएं घटेगी और जो महत्वपूर्ण बदलाव होंगे दोस्तों, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह समय अंतरिक्ष के ग्रहों में कुछ ऐसे अनोखे और बड़े ही महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं दोस्तों। किस बदलाव से यह 3 दिनों में आपकी जीवन की हर एक परेशानियां दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है, जिसमें हम बात करने वाले हैं यह 3 दिनों की आपकी राशिफल की महाराशिफल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यह 3 दिनों में जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी डे है, उनको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों आखिर यह 3 दिनों में आप सभी के जीवन काल में कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं जिनसे कि आपके होश उड़ जाएंगे, और यह 3 दिनों का समय आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप सभी को किन किन क्षेत्रों से यह समय लाभ मिलने वाले हैं और किन किन क्षेत्रों से आपको यह समय हानियां भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों साथ ही बात करेंगे यह 3 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व व्यापार कैसा रहेगा, दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और दोस्तों आपकी स्वास्थ्य कैसी रहेगी। दोस्तों साथ ही बात करेंगे कि यह समय आपके करियर उद्यम को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी और दोस्तों घर परिवार के माहौल कैसे रहेंगे। दोस्तों इन सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, और दोस्तों वीडियो के अंत में आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और कुछ खास उपाय बताएंगे। दोस्तों इस उपाय से आपके जीवन की प्रत्येक समस्याएं दूर होंगी और भगवान नारायण जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी भक्तों से छोटी सी निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं या दोस्तों नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल पास लटका ताकि राशि जुड़े सभी जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो आज दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के ज्ञान से। दोस्तों की माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, उसकी ऐश्वर्य अर्थात धन सब कुछ नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि शरीर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आशा और भोग की आस नहीं मरती है। और दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि तुम जीवन में उनका विश्वास मत करो जिनकी भावनाएं वक्त के साथ बदल जाए, विश्वास करना है तो आप उन पर करो जिनकी भावनाएं वैसी ही रहे और आपका वक्त बदल जाए। दोस्तों कि विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसको पढ़ने में तो सेकंड लगता है और सोचो तो मिनट लगता है और समझो तो पूरा दिन लगता है और साबित करने में तो पूरा जिंदगी बीत जाती है। दोस्तों गुरु जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक दिल से जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें, आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं 3 दिनों की आपकी राशिफल की महाराशिफल के बारे में। दोस्तों यह 3 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल के लिए हर एक मामलों में सफलता देने वाला रहेगा। यह समय आपको धन से जुड़े हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी और भाग्य भी आपका साथ देगा यह समय। लेकिन धन के लेन देन का कोई भी कार्य बिल्कुल ही ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा और व्यवसाय क्षेत्र से आसान पूर्ण धन लाभ हो जाएगा, परंतु खर्च भी आवश्यकता से अधिक करेंगे और इस कारण आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। यह समय आपको समाज में अपना स्तर बनाए रखने के लिए कुछ धन भी खर्चा करना पड़ सकता है और कुछ पार्टियों पर पैसा फंसने के कारण काम में विलम्ब हो सकता है और आयात निर्यात के क्षेत्र में अच्छा काम या समय देखने को मिलेंगे और नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी व्यस्त भी देखे जाएंगे। और दोस्तों साथ ही समय आलस और अभिमान दोनों से ही बचना होगा और साथ ही साथ यह समय काम कल पर टालने की आदत से भी बाज आना होगा, अन्यथा जीवन में प्रगति और तरक्की दिलाने वाले बड़े अवसर से आप हाथ भी धो बैठेंगे। और यह समय के प्रवार्द का समय आपके लिए बेहद ही अनुकूल है, इस दौरान आपके द्वारा किसी भी कार्य को पूरे मनोयोग से करने पर निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। यह समय आपको दूसरों पर निर्भर होने से भी बचना होगा, अन्यथा
समय पर मदद न मिलने पर आपके काम अटक सकते हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उससे संबंधित कोई भी शुभ सूचना आपको यह समय प्राप्त हो सकती है, जिससे कि आपके घर परिवार अथवा प्रेम संबंध से जुड़ी किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए स्वयं के द्वारा की गई पहल सार्थक साबित होंगी और प्रेम संबंध को प्रगाढ़ भी बनाने के लिए आपको अपने लव पार्टनर की मजबूरियों और आवश्यकताओं दोनों को ही समझना होगा और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपनी बिजी लाइफ में से कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए जरूर निकालें और यह समय के उत्तरार्ध में अपनी सेहत को लेकर विशेष रूप से सावधान हैं और खान पान और दिनचर्या सही तरीके से रखें और यह समय कहीं लंबी ट्रिप का प्लान भी बना सकते हैं, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को आनंद की प्राप्ति होगी और इस राशि के व्यापारियों को यह समय अचानक से कोई बड़ा फायदा हो सकता है और टेंट हाउस वालों को किसी बड़ी पार्टी से बुकिंग का ऑर्डर भी इसमें मिल सकता है। इसमें बिना वजह घर के किसी भी सदस्य पर गुस्सा बिल्कुल ही ना करें और स्नान के बाद हाथ जोड़कर तुलसी के पौधों को प्रणाम करें, मानसिक शांति आपको मिलेगी। और इसमें किसी भी दोस्त के साथ गलतफहमी अप्रिय हालत खड़े कर सकती है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नज़रिए से दोनों पक्षों को जांच लें। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए जो आने वाले वक्त में आप फिर से पा सकें और घर और काम पर दबाव आपको गुस्सेल और बेचैन बना सकता है। यह समय अपने प्रिय को माफ करना ना भूलें। जिस पहचान और पुरस्कार की उम्मीद आप कर रहे थे वह बाद के लिए टल सकती है और आपको हताश का सामना भी करना पड़ सकता है। और यह समय इस राशि वालों के कलाकारों को बड़ा ही मौका मिल सकता है। इन दोस्तों चलिए बात करते हैं इन दिनों के उपाय के बारे में। दोस्तों आखिर आपको इन दिनों में कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपकी जीवन की हर एक परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। तो दोस्तों आप इन दिनों में नारायण कवच का पाठ करें और जरूरतमंद लोगों को अनाज दान करें और काले कौवे को गुड़ खाने के लिए दें और मुख्य द्वार के दोनों ओर जल भी डालें और साथ ही आप भगवान गणेश जी को हरी घास आने की दुर्वा जरूर चढ़ाएं। इससे आपको धन प्राप्ति का योग बनेंगे और आपकी जीवन की हर एक परेशानियां भी दूर होंगी और भगवान नारायण जी का और भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जय नारायण जी, दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।